हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट 76 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, टुडे इज़ अ वंडरफुल डे टू हैव अ वंडरफुल डे। ओके दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो वह कहलाते हैं दोस्तों पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य है प्रतिद्रव्य कण, ये जो होते हैं पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह समान होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10^-31। ठीक है, याद रखिएगा। और पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है धन, यानी पॉजिटिव, जो होता है 1.6 इंटू 10^19 कॉलम, जो कि जो है संख्यात्मक दृष्टि से इलेक्ट्रॉन के ही समान है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? बताइए, तो वह होती है परमाणु संलयन के माध्यम से। ठीक है, सूर्य पर जो है विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि परमाणु संलयन में। और आपने से जो है दोस्तों, जो इनमें होता है अपने से भारी तत्व यानी हीलियम का निर्माण करते हैं ये, और इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयन होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है। जैसे द्रव्यमान की जो ये क्षति है वह होता है E=mc²। ठीक है, ये जो समीकरण है इसके द्वारा ऊर्जा में परिणित हो जाती है, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए दोस्तों, तो उनकी संख्या होती है 6। ओके, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है दोस्तों 8, और ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह होगा 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन के जो प्रथम कक्षक में हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि द्वितीय या बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः जो ऑक्सीजन में हैं 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। ओके, गुरुत्वाकर्षण जो है एक भौतिक क्रिया है, जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के संबंध में प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक जो है दोस्तों न्यूटन ने जो है दोस्तों एक नियम दिया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों जिनके द्रव्यमान में यदि m1 तथा m2, ठीक है, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच कार्य करने यानी गुरुत्वाकर्षण बल F का मान क्या हो जाता है, किससे प्रेजेंट करते हैं उसे प्रेजेंट करते हैं F=gm1m2/r²। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो G है ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, तो वह होता है ऑर्गेनोक्लोरीन। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ हैं, खर पतवार नाशी व अन्य क्लोरीन युक्त जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, और ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुँच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता जो है प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उपभोक्ता में जो है अधिकतम हो जाती है, और इस क्रिया को कहा जाता है जैव आवर्धन। जैसे एग्जांपल है दोस्तों इसका ऑर्गेनोक्लोरीन, DTT, BSC,
और मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से ये पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है, बताइए दोस्तों। तो वह है दोस्तों उत्परिवर्तन। ओके, ये जो है दोस्तों उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है, और उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। और उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, और क्या करता है, जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है, बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक। ओके, अमाशय जो है, अमाशय की ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्रावण होता है, और इसी जठर रस की उच्च अम्लीयता जो है उसका HCl का कारण बनती है, ठीक है। HCl जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और ये जो है पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय कर पेप्सिन में बदलता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है, बताइए दोस्तों। तो वह है पैसा उधार देना, ठीक है, ये जो गतिविधि है इसकी अनुमति नहीं है भारत के भुगतान बैंकों को। दोस्तों इसमें क्या है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने हेतु लघु बचत खाता उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबार, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान विप्रेषण सेवाएं प्रदान करना भुगतान बैंकों की स्थापना के उद्देश्य हैं। और भुगतान बैंकों के कार्य मांग है उनकी जमा राशियों को स्वीकार करना, प्रारंभ में जो है भुगतान बैंक प्रति व्यक्ति ग्राहक के अधिकतम यानी 1,00,000 की शेष राशि रख सकता है, और ATM डेबिट कार्ड जारी करना, तथापि भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो, बताइए। तो वह कहलाता है आरोही कर। ओके, इसमें दोस्तों कर लगाने की वह विधि जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो, आरोही कर यानी प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है उसे। और आरोही कर में कर आधार की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी बढ़ती जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह है सेबी। ओके, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यह भी पूछा जाता है, तो वह होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत में जो है शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था सेबी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 1988 में, और 12 अप्रैल 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य जो था भारतीय स्टॉक निवेशकों को उत्तम संरक्षण प्रदान करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी, बताइए। तो उसका नाम है लियु योंग। ओके दोस्तों, 16 जून 2012 को 33 वर्षीय लियु योंग अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली चीनी महिला हुई है, और उन्होंने जो है सेंजू 9 अंतरिक्ष यान से इस अभियान को पूरा किया था, ठीक है, उनके यान का भी आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, बताइए दोस्तों। तो उनकी संख्या है 12। ओके दोस्तों, अब तक जो है 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, वे कौन कौन से हैं, नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन, चार्ल्स पेट्रे कॉनार्ड, एलन एल,
बीन एलन शेपर्ड, एडवर्ड डी मिशेल, डेविड स्कॉट, जेम्स बी इरविन, ठीक है, जॉन यंग, चार्ल्स एम ड्यूक जूनियर, यूजिन ए, सरनाम हेरिसन जेक स्मिथ, याद रखिएगा सारे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैस भाई अंतरिक्ष में यात्री करने वाला पहला बंदर था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह था एल्बर्ट सेकंड, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। दोस्तों एल्बर्ट सेकंड जो है नामक बंदर भारतीय अंतरिक्ष में भेजा गया पहला बंदर था, और ये जो है रिसेस बंदर था जो यूएसए के द्वारा भेजा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण जो है डैस के निर्माण हुआ था, बताइए दोस्तों। तो उसका कारण था ब्लैक कार्बन, ओके, याद रखिएगा। विशेषज्ञ के अनुसार जो है दोस्तों मई 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण उत्पन्न हुआ था ब्लैक कार्बन, जो वायुमंडल में फैल गया था और जिसके कारण जो है ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा बढ़ गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के दो स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए थे, बताइए दोस्तों। तो वह किए थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। दिसंबर 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर के अवसर पर 125 रुपये एवं 10 रुपये नोट जो है मूल्य वर्ग के दो स्मरणीय सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक यानी लोगो किसका बना है, बताइए दोस्तों। तो वह बना है कॉक्स से बने शेर का, ठीक है। मेक इन इंडिया का जो लोगो है शेर स्टील के चक्र दंत से बना हुआ है, और इसका डिज़ाइन जो है वेडन कैनेडी इंडिया लिमिटेड ने बनाया था, और ये जो है पोर्टलैंड की कंपनी है और भारत समेत कई देशों में इसके कार्यालय हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था, बताइए दोस्तों। तो वह निकाला गया था दोस्तों 2012 में, ठीक है, फरवरी 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत को पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था, और WHO के अनुसार भारत में पोलियो विषाणु वातावरण से पूर्णतया समाप्त हो गए थे, और भारत में पोलियो का जो अंतिम केस है वह आया था दोस्तों 13 जनवरी 2011 को, ठीक है, 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेटर से जुड़ा नहीं था, बताइए कौन सा है इनमें से दोस्तों को जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो उनका नाम है स्टेन वावरिंका, ठीक है, स्टेन वावरिंका जो है स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है, और फरान बेहरडियन, ठीक है, एरोन फंगिसा और वर्नोन फिलेंडर, ये जो हैं दोस्तों दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन को जिनका निधन हो चुका है किस देश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान थे, बताइए पूर्व क्रिकेट कप्तान कौन थे इनमें से। तो दोस्तों उनका जो था वो मार्टिन नाम था, और वो जुड़े हुए थे न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं कमेंटेटर मार्टिन क्रोका जो है 3 मार्च 2016 को ऑकलैंड में निधन हो गया, और ये जो है दोस्तों इनके द्वारा बनाए गए 17 टेस्ट शतक न्यूजीलैंड के किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए टेस्ट शतकों में सर्वाधिक है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।